शिक्षा स्वास्थ्य खेल मंत्रालय एवं निगरानी कमेटी यूथ क्लब का सॉरी यूथ का, तो तुरंत प्रभाव से मैं रिजाइन। तो हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, नक्शा है, अब हमारी तैयारी ये है कि प्रशासन आए या ना आए, घटना जो घटे घटे, प्रशासन ही जिम्मेवार होगा या वो लोग स्वयं जिम्मेवार होंगे जो हमारे को रोकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रदीप, फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव बडनपुर के अंदर। कुछ गत दिनों से आपने एक मामला देखा था बडनपुर का, जिसमें इंदिरा गांधी योजना के तहत जो एसी समाज के लोग हैं उनकी एक ज़मीन एक्वायर हुई थी, शायद बताया जा रहा 10 या 12 साल पहले। वो 10-12 साल के अंतर्गत आज तक, देखिए मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा एक और, ये वो जिनके प्लाट थे अलॉट हुए थे वो ये लोग हैं, और मेरे पीछे 112 डायल 112 हरियाणा पुलिस की गाड़ी भी है मौजूद है। जो ये प्लाट अलॉट हुए थे इंदिरा गांधी योजना के तहत, आज तक 12 साल के अंदर इनको ये नहीं पता कि किसका प्लाट कहाँ पर है। प्लाट की ज़मीन इनको ज़रूर पता है कि वो ज़मीन है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जैसे कि एक परिवार का प्लाट कहाँ पे है, दूसरे परिवार का कहाँ पे है, इनके प्लाट का निशानदेही नहीं दी गई थी। और आज इसी मामले को लेके यहाँ पे जो तहसीलदार है, पटवारी है, यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे हम कि किन कारणों से इनके साथ ऐसा हुआ था और आज का इनका आगे का कैसे क्या ये रहेगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सर कल दुष्यंत चौटाला जी से मिले थे आप, क्या कुछ रहे मिलने के बाद? सबसे पहले तो देखिए मैं सभी पत्रकार साथियों का, सभी जो आपका सोशल मीडिया है उसका यहाँ पहुँचने पर गांव बनपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो ये चला हुआ है 100 गज प्लाट धारकों का मामला, तो ये काफ़ी पुराना है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से आप दिन रात एक किए हुए हैं, खेत खाली हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो पहले घटना घटी थी ऐसी घटना ना घटे है मेरे गांव में। क्या घटना घटी थी जी? पहले घटना घट चुकी है, एक केस था, पंचायत का मामला था आपस में, तो उसमें काफ़ी तनाव था, लेकिन जो धीरे धीरे मामला है ये भी ऐसा ना हो कि ये तुल पकड़ जाए, इसलिए गरीब तबका है ये डरे हुए हैं। तो इस मामले में कल देखिए जो यहाँ से जो यहाँ मीटिंग हुई थी प्लाट धारकों की, सभी प्लाट धारक आए हुए थे, तो एक ही निर्णय लिया कि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, हमारे बिल्कुल भी कोई भी सुनवाई नहीं है। तो डिप्टी सीएम से मिलने का निश्चय किया जो यहाँ पर कमेटी थी, तो उसके बाद यही निर्णय हुआ कि दुनोद्दा तो नहीं मिल पाएंगे, हम चलते हैं यहाँ टोल बद्दोवा टोल पर। तो बद्दोवा टोल पर जाने के बाद वहाँ पर सूचित किया जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कि इस तरह से सीबीआई को हमने सूचित किया, जो अधिकारी उनको सूचित किया कि ऐसे ऐसे हम पूरे डिसिप्लिन में पूरे अनुशासन के साथ 210 के 10 जो प्लाट धारक हैं वो मिलेंगे। तो ऊपर से मैसेज आया कि अनुशासन में रहो, आपसे डिप्टी सीएम की बातचीत बिल्कुल गाड़ी रुकने के बाद आप जो भी ज्ञापन देना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो सुनेंगे। उसके बाद नरवाना जो SDM साहब हैं दून साहब वो और DSP नरवाना आए हमारे साथ, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। तो हमने बात रखी कि जो प्लाट धारक हैं 100 गज के प्लाट धारक, उनको निशानदेही नहीं मिली है अभी तक, ये तो पता है कि ये 8 किले हैं 9 किले हैं जो हमारे हैं। तो उसने कहा कि हम आपको दुनोद्दा जो प्रोग्राम है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब का, तो वहाँ मिला देंगे। तो हमने कहा एक बार आप हमारी देखिए, तहसील उचाना पड़ती है, ब्लॉक उचाना है, हल्का नरवाना है, अधिकारी इधर के उधर। तो उन्होंने हमने कहा कि हमारी जो बात है SDM साहब हैं जो मलिक साहब उचाना के अभी आए हैं उनसे बात कीजिए आप दून साहब, या आप जो DDPO है उचाना उससे बातचीत कीजिए। तो कल छात्रगांव में खुला दरबार लगा हुआ था, SDM साहब ने बात की BDPO साहब से, तो BDPO साहब का एक ही जवाब है कि हम निशानदेही दे चुके हैं। देखिए हमारे साथ पूरा का पूरा 36 बिरादरी के जो प्लाट धारक हैं खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, एक भी सदस्य अगर ये कह दे कि हमें निशानदेही मिल चुकी है तो हम आज ही अपने घर चले जाएंगे। तो BDPO साहब क्यों बोल रहे हैं निशानदेही हो चुकी है? पीछे कब्जा दिया, एक मिनट, देखिए पिछले कब्जा देने के लिए आए हुए थे,
तो वहाँ उस दिन बारिश होगी। बारिश होने के बाद ये देखिए अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो ऊपरली हेडलाइन थी वो नहीं पढ़ी, उन्होंने बगैर निशान दे दिए, उन्होंने साइन करवा लिए टोटली टोटली को, एक आध जो नहीं आए मौके पर नहीं थे तो नहीं भी होने पाए, तो मतलब जो भी ना जो भी साइन है वो कुछ है, हमने उनमें मिस्टेक पाई है, देखे भी हैं, तो काफ़ी गहरा मामला गंभीर मामला है। तो फिर उन्होंने कहा SDM साहब दून साहब ने कि आप कल 4 कर्मचारी भेज करके, मुझे नहीं पता इनकी निशानदेही होनी चाहिए प्लाट धारकों की, और उसके बाद कहा कि आप जो आपकी कमेटी है 5 सदस्यीय कमेटी 21 सदस्यीय वैसी कमेटी है प्लाट धारकों की, तो उन्होंने कहा 5 आदमी चलिए आपको मैं दनोदा डिप्टी जो CM है उसे मिलवा दूँगा। तो हमने ये बात मानी और डिप्टी CM भाषण देने के बाद हम उसे मिले और ज्ञापन दिया, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि देखिए कोई बात नहीं है आपका काम हो जाएगा, और वो उसने हमारा ज्ञापन लिया। उसके आने के बाद यहाँ पर 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, और जो पटवारी हैं मौके के उनका फ़ोन बंद आया हुआ है, कानूनगो से साहब से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि जो भी ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, जो CBI वाले हैं हमारे जो और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात हुई, तो बार बार यही मैसेज कि आपको निशानदेही देंगे निशानदेही देंगे। तो CID के थ्रू मैसेज जा लिया ऊपर? बिल्कुल, दिल्ली तक ये बात चली गई है, क्योंकि ये जो खुफिया एजेंसी है आपको पता ही है कि कितनी मजबूत हमारी खुफिया एजेंसी है, यहाँ बात होती है तो दिल्ली तक बात जाती है, और जो अगली जो कार्रवाई होगी उसके बारे में हमारे जो साथी हैं रामफल जी वो बताएंगे। लेकिन एक चेतावनी मैं भी देता हूँ इस जो सरकार है और प्रशासन को, पद नाम के पद होते हैं लेकिन जो संगठन है समितियाँ हैं मंच हैं ताकत उन्हीं की असली है। मैं सरपंच रह चुका हूँ, बिल्कुल ये भ्रष्ट है जो हमारा जो सिस्टम है राजनीति का, हमें मेरे में बीती है, और मैं जब इसमें जो JJB पार्टी है जननायक जनता पार्टी देवीलाल की नीतियों पर चल करके मैं भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे पास ब्लॉक नरवाना का पद है, शिक्षा स्वास्थ्य खेल मंत्रालय एवं निगरानी कमेटी यूथ क्लब का यूथ का, तो तुरंत प्रभाव से मैं रिजाइन अगर यहाँ पर 1 घंटे के अंदर और नहीं आते हैं तो रिजाइन देता हूँ, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे काम करूँगा। मेरे ऊपर देखिए जो प्रेशर है बनाए हुए हैं, बार बार मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको कहते हैं इसको क्या ज़रूरत है, लेकिन एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और जो शहीद आजम भगत सिंह है उससे संबंधित जो संगठन है जनसंघर्ष मंच हरियाणा, मैं उस निर्वाणा इकाई का प्रधान पूर्व प्रधान रहा हूँ, तो उसकी नीतियों पर चल करके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। अगर सुनवाई 1 घंटे के अंदर नहीं होती है तो तुरंत प्रभाव से मैं अपने पद से इस्तीफा दूँगा और आगे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा, न कि इन पार्टियों के जो प्रशासन है इसके बहकाव में आकर के, आगे आने वाले नहीं हैं। तो मैं आगे की जो कार्रवाई होगी रामफल जी को इनवाइट करूंगा, वो बताएंगे रामफल जी। देखो प्रशासन ने आज का टाइम दिया, मतलब प्रशासन ने आज का टाइम दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि जो आपकी कार्रवाई उस पर खड़े उतरेंगे, तो दुष्यंत चौटाला का भी नहीं इस तरह तो कया मान दे जो SDM है या फिर और है, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आप पहुँचे भी नहीं हुए तक। देखिए जो कल दिया था आश्वासन 1.5 महीने से, देखिए जो प्लाट धारक हैं इंतज़ार किससे नहीं मिले, सबसे मिले हैं, पूरा का पूरा जो सिस्टम है हरियाणा में, चाहे वो मंत्री हैं नरवाना सिरसा, क्योंकि हल्का नरवाना है और जो राज्य लोकसभा क्षेत्र है सिरसा है, और हमारा तहसील उचाना है, पहले हमारा अभी ब्लॉक उचाना है, पहले हल्का उचाना था, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और जो सरकारी जो पदाधिकारी हैं उनसे, और कल तो हम डिप्टी CM से CM साहब से भी मिल चुके हैं। देखो डिप्टी CM साहब से मिल चुके, और आपने एक बात कही कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या इस्तीफा देने से इनके प्लाट कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, लेकिन इस गंदी जो सोच है राजनीति की उसे बाहर आकर के मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम कर सकता हूँ, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, खुल करके काम कर सकता हूँ। आप सबसे पहले तो मीडिया का यहाँ पहुँचने पर हम धन्यवाद करते हैं, और जो हमारे ये 210 प्लाट हैं हमारे पास, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मीडिया को, 210 प्लाटों की लिस्ट है हमारे पास, और ये नक्शा है जी, ठीक है।
आगे की हमारी कार्रवाई ये है कि जो प्रशासन हमारे को कहता ना कि हमने कब्जा दे चुके हैं जी। तो हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, नक्शा है, अब हमारी तैयारी ये है कि प्रशासन आए या ना आए, घटना जो घटे घटे, हम अपने प्लाटों पर स्वयं कब्जा लेंगे। अच्छा। यहाँ किसी से हमारा टकराव हो, किसी से कुछ भी हो, लेकिन हमारे गाँव में अभी तक कोई विवाद नहीं है। प्रशासन विवाद करवाना चाहता है। अगर प्रशासन चाहे कि गाँव में भाईचारा बना रहे और इनको प्लाट दिए जाए तो वो बड़े शांतिपूर्वक से मिल सकते हैं। गांव का भाईचारा पहले भी बीडीपीओ ने उचाणा ने ख़राब करने की कोशिश की और अब फिर उसकी वही मंशा है। इसलिए मीडिया का से मेरे माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी प्लाट धारकों के पास रजिस्ट्रियाँ, कुछ रजिस्ट्रियाँ नहीं है जो उनके नाम है, इसमें हम अपना कब्जा स्वयं ले रहे हैं। अब जाके वहाँ पर आप हमारे पूरी ज़मीन को हम इकट्ठा सामूहिक तौर पे इकट्ठी अपने कब्जे में ले रहे हैं। यानी किसी के साथ अगर तुक तुम मेमो है तो प्रशासन इसका जिम्मेवार, प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, या वो लोग स्वयं जिम्मेवार होंगे जो हमारे को रोकेंगे, क्योंकि हम अपना हक ले रहे हैं, अपने हमारे पास सबूत हैं, हमारी ज़मीन है वो। अगर कोई उस पर कब्जा करता है तो उसका वो बनता है कि भाई ये उसकी ज़मीन है, अब मेरे को नहीं घुसना चाहिए। अगर हमारी ज़मीन में कोई घुसता है तो वो शरारती तत्व है। वो ज़मीन अभी पंचायत के अंडर में या कोई और कब्जा करे उस पंचायत का? ऐसा जी कुछ उसमें से कुछ बिजी हुई है, कुछ खाली है। हमने प्रशासन को बोला है कि भैया ज़मीन खाली रहनी चाहिए। बीडीओ साहब ने पंचायत को बोला या ना बोला उसका तो बीडीओ साहब जाने, हम नहीं जान सकते। जो बिजाई हुई ज़मीन है वो बोली कराई हुई है, वो ऐसे कब्जा करी हुई नहीं? बोली तो हो ही नहीं सकती, जब रजिस्ट्री होगी तो बोली कैसे हो जाएगी? ग्राम पंचायत कैसे बोली करवा देगी? अगर बोली करवाती है तो वो तो दो नंबर में होगी। हमने बीडीपीओ साहब को बोला था, अगर आपने पंचायत के माध्यम से इसकी बोली करवाई तो आप रसीद दिखा दो हमारे को। उसके पास कोई सबूत नहीं इस चीज़ का। तो पंचायत का क्या रुख है इसकी तरफ से? पंचायत को हम बोल चुके हैं, सरपंच को कई बार कहा भाई प्यार से समस्या सोल्व हो सकती है, बैठ के समस्या सोल्व हो सकती है। गांव का 36 बिरादरी के प्लाट हैं, सबका भाईचारा है, कायम रहे भाईचारा, यही हमारी मंशा है, लेकिन सरपंच साहब ने टाइम नहीं है। तो आप रजिस्ट्री है कौन से सन की है ये? 2020 17 जून 10/8/2020 निशानदेही है, निशानदेही है 2012 से आज तक उस जमीन पर एक ही आदमी का कब्जा या अलग अलग? नहीं, वो जो आदमी उसको बो रहे हैं वही बो रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत बो रहा है तो वही बो रहे हैं जिसके साथ में लगती है। तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? बस रणनीति तो अजी हमारे प्लाट है, हम अपना कब्जा लेंगे। अगर प्रशासन आके प्यार से हमारे को कब्जा दिलाता तो हमने किसी से बहस करने की जरूरत नहीं थी। कितनी देर इंतजार करोगे? अभी प्रशासन हमारे को सुबह से गुमराह कर रहा है, अभी आएंगे, कोई आया नहीं है। क्या पता हमने भाई डिप्टी सीएम ने उनको मैसेज दिया है, बीडीपीओ को मैसेज मिला है या ना मिला है। हमारे को तो ये कह रहे हैं कि आएंगे, सीआईडी के माध्यम से हमने सूचना दे दी है। लगता आपको वो आएंगे? हमें तो लगता नहीं कि वो आएंगे। तो उसके बाद फिर क्या करवाएं? अब हम स्वयं अपना कब्जा लेंगे। कितना जैसे समय अल्टीमेटम प्रशासन को दें? अभी हम सिर्फ आधा पौना घंटा और उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद स्वयं प्लाटों में जाएंगे, अपनी सफेदी वगैरह डालेंगे, जितनी जमीन खाली है उस पर हम स्वयं कब्जा लेंगे।